हे दोस्तों, आज आप जानोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड के डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। देखो, आप सब ने तो ChatGPT के बारे में सुनी लिया होगा, जो कि कितनी आसानी से आपके किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। ना केवल ChatGPT बल्कि Midjourney, Copy.ai, AI स्टूडियो और ऐसे ही ढेरों AI टूल्स हैं जो कि मार्केट में छाए हुए हैं। जहाँ कुछ साल पहले तक AI बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लग रहा था, वहीं आज हमारे मोबाइल डिवाइसेस में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। सोचो, जब AI ने आम लोगों की जिंदगी को इतना आसान बना दिया है तो क्या लगता है इंडस्ट्रीज इसके बेनिफिट से बची हुई होंगी? आंसर है नहीं। इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में जान रही है, जिसकी वजह से जॉब मार्केट में खलबली मची हुई है। फॉर्ब की इस रिपोर्ट पे ध्यान दो, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 2025 तक AI 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा एंड सेम टाइम फ्रेम में AI की वजह से 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे। सो इस चीज से हमें यही पता चलता है कि वैसे लोग जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल सेट्स को रखते हैं, उनके लिए आने वाला समय जॉब मार्केट में थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एंड जो लोग AI से रिलेटेड स्किल्स को सीख लेंगे वो जॉब मार्केट में अच्छी जॉब के साथ हैंडसम सैलरी को एंजॉय कर सकेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको टॉप 5 इन डिमांड जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो कि AI फील्ड से हैं। सो अगर आप इस टेक चेंज को मॉनिटर कर पा रहे हो एंड जॉब मार्केट में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। तो चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। ओके, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मशीनों या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं जिससे कि उनके द्वारा ऐसे टास्क को करवाया जा सके जिसके लिए जनरली इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती हो, जैसे कि किसी लैंग्वेज को समझना, डिसीजन लेना, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना। एग्जाम्पल के लिए आपके मोबाइल में आपने फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन देखा होगा जो कि AI का एक एग्जाम्पल है। जनरली कंपनीज AI का यूज प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट शेविंग, इनोवेशन ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए करती है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम जानते हैं AI फील्ड के टॉप 5 इन डिमांड जॉब्स के बारे में। नंबर 1, बिग डेटा इंजीनियर। बिग डेटा इंजीनियर वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को प्रोसेस, स्टोर एंड मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन एंड डेवलप करते हैं। देखो, AI टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा, क्योंकि जिस तरीके से हम इंसान किसी भी काम को करने से पहले अपने पिछले एक्सपीरियंस यानी कि डेटा का यूज करते हैं, वैसे ही मशीनों के अंदर अगर हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो उसके लिए भी उनके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को फीड, प्रोसेस एंड मैनेज करना होगा, और ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग डेटा इंजीनियर का होता है। वैसे तो एक बिग डेटा इंजीनियर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या इनसे रिलेटेड फील्ड में बैचलर या मास्टर डिग्री है तो आप कुछ स्पेशल टेक्निकल स्किल्स को सीख के एक बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हो। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, इसके अलावा SQL एंड एक्सपीरियंस विद बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे कि हैडूप, स्पार्क, NoSQL डेटाबेस की नॉलेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स है जो कि आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे बिग डेटा इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत एज अ डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे करते हैं एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके बिग डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में इंटर करते हैं। एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से TCS, टेक महिंद्रा, IBM, एसेंचर, विप्रो एंड ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज में एक बिग डेटा इंजीनियर को एवरेज 8 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है। जॉब नंबर 2, मशीन लर्निंग इंजीनियर। एक ML इंजीनियर वो पर्सन होता है जो कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा का यूज करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डिजाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि ChatGPT मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें कि पूरे इंटरनेट का 80 to 90% डेटा फीड किया हुआ है। सो उस डेटा को प्रोसेस करके करेक्ट आंसर यानी कि आपके प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए जो भी आप ChatGPT से पूछते हो, बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। सो उस एल्गोरिथम को जो भी डेवलप, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करता है उन्हें ही मशीन लर्निंग इंजीनियर कहा जाता है। इस जॉब को पाने के लिए आपको कुछ स्पेशल टेक्निकल स्किल सीखना होगा, जैसे कि नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा और C++। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम statistics model and data analysis technique. Third है proficiency in data structure, database and data visualization tools. Fourth है familiarity with popular machine learning frameworks and libraries such as TensorFlow, PyTorch एंड scikit. साथ ही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. मैंने मशीन लर्निंग इंजीनियर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है. अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो देन आप उस वीडियो के थ्रू अच्छे तरीके से समझ सकते हो. एंड उस वीडियो में मैंने कुछ फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं जिनके बेस पे आप इन सभी टेक्निकल स्किल्स को सीख पाओगे. सैलरी की बात करें तो एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से इंडिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर को एवरेज 6.5 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है. जॉब रोल नंबर 3 डेटा साइंटिस्ट. एक डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके डेटा में से इनसाइट्स एंड नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है. बेसिकली ऐसे एक्सपर्ट्स डेटा एनालिसिस के काम में माहिर होते हैं एंड डेटा में से इनसाइट्स एंड नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स का यूज करते हैं. बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट का मेजर गोल ये होता है कि वो लार्ज डेटा सेट्स में से पैटर्न्स, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाए जिनके बेस पे ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और एक गुड डिसीजन लिया जा सके जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो. मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर कोई भी बिजनेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है या फिर अपने बिजनेस चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसका इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. इस वजह से एक डेटा साइंटिस्ट का जो जॉब रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ही बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए बेटर डिसीजन लेने में काफी हेल्प करते हैं. एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए. सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज जैसे कि पाइथन और आर प्रोग्रामिंग. इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस टूल्स में भी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. नेक्स्ट, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड टेक्निक की भी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. सो ओवरऑल अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप अपना करियर एज अ डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो. धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप इस फील्ड में इंटर कर सकते हो या फिर अगर आपने इन सभी स्किल्स को अपने स्टडीज के दौरान ही गेन कर लिया तो आप डायरेक्टली इस फील्ड में इंटर कर सकते हो. ऑलराइट, वीडियो काफी लंबा हो चुका है. अभी तक हमने केवल 3 जॉब्स के बारे में जाना. बाकी की 2 जॉब्स है वो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख के एंजॉय किया है एंड आप अगली 2 जॉब्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर मेंशन करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी बाकी 2 जॉब्स पे भी वीडियो बना सकूँ. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले. मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.